खुशनुमा मौसम, सुंदर वादियां और मतवाले रास्ते, सच में ही स्पीति पहुंचना किसी जन्नत जैसा ही अनुभव है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका सफरनामा एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड में, और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनुराज। तो चलिए चलते हैं एक खूबसूरत सफर पर। दोस्तों, स्पीति वैली जाने के दो रास्ते हैं, पहला बाया शिमला और दूसरा बाया मनाली। दोनों ही रास्तों से बस सर्विस अवेलेबल है, और इसके अलावा प्राइवेट कार और टैक्सीज की सुविधा भी उपलब्ध है। कई लोग तो बाइक्स के द्वारा मौसम का लुफ्त लेते हुए इस यात्रा का आनंद लेते हैं। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि दोनों रूट्स में से शिमला होकर जाना बेस्ट ऑप्शन है, तो इसीलिए हम शिमला से होते हुए स्पीति की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस रूट पर ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे हमारी बॉडी को एडजस्ट करने में भी आसानी होती है। दूसरा ये है कि ये रास्ता साल भर खुला रहता है, सिर्फ कुछ एक दो दिनों को छोड़कर जब हैवी स्नोफॉल होती है, और इस रास्ते पर टूरिस्ट प्लेस भी ज्यादा है। स्पीति की तरफ बढ़ते हुए चितकुल और काजा दोनों देखने लायक जगह हैं। चितकुल हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का एक गांव है। यह गांव बसपा नदी के किनारों पर बसा हुआ है। चितकुल में भी बहुत सारी देखने लायक जगह हैं, जैसे कि सांगला मैदो, बैरिंग नाग मंदिर, कल्पा, कमरू किला और बाटसेरी गांव। यहाँ की बहती नदी और ऊंची घाटियां सच में मन को लुभा लेने वाली है। दोस्तों, चितकुल से आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश के एक कोने में स्पीति नदी के मैदानों पर एक शांत जगह है, जिसे काजा के नाम से जाना जाता है, जो चारों तरफ से बर्फीले पर्वतों से घिरा हुआ है। यह पूरी घाटी क्षेत्र मठों, प्राचीन गांवों और अन्य दर्शनिक स्थलों से भरा है। नदियां और झरने यहाँ के प्राकृतिक परिवेश की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं। आपको बता दें कि काजा को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक को पुराना काजा और दूसरे को नया काजा कहा जाता है। पहले भाग में सरकारी कार्यालय और दूसरे में राजा का महल है। मठ, गोम्पा और अन्य ऐतिहासिक स्थल इस शहर के पुराने जादुई आकर्षण है। काजा आज की आधुनिकता और अनूठी प्राचीन संस्कृति का अद्भुत मिश्रण है, जो अपने रहस्य से किसी को भी मोहित कर लेता है। ध्यान रखने वाली बातें यह है कि काजा को छोड़कर पूरे स्पीति में कहीं भी एटीएम नहीं है। फ्यूल पंप भी सिर्फ काजा में ही है। मोबाइल फोन नेटवर्क की बात करें तो बीएसएनएल के अलावा कोई भी नेटवर्क पूरी स्पीति में नहीं है। दोस्तों, काजा में आप देख सकते हैं किब्बर गांव, कीमठ, ताबो, धनखर मठ और कुंजम दर्रा। स्पीति। स्पीति वर्ड का लिटरेरी मतलब है मिडल लैंड। एशियन टाइम्स में यह मिडल लैंड होता था तिब्बत और भारत के बीच में। स्पीति वैली एक कोल्ड डेजर्ट माउंटेन वैली है, जो हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में हिमालय के पहाड़ों में स्थित है। स्पीति वैली की एवरेज हाइट है 12,500 फीट अबव द सी लेवल। एडवेंचर्स लवर्स के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। स्पीति वैली एक परफेक्ट ब्लेंड है हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म कल्चर का, और यहां पर आपको पुरानी पुरानी मॉनेस्ट्रीज भी देखने को मिलेंगी, जिनकी बहुत ही ज्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है।
दोस्तों, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर मौजूद गांव की बात करें या फिर वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन की, यह सभी स्पीति वैली में मौजूद हैं। स्पीति वैली समर्स और विंटर दोनों ही मौसम में हम आ सकते हैं। समर्स में यहाँ मौसम बहुत ही सुहावना होता है और विंटर्स में टेम्परेचर -35 से -40 डिग्री तक गिर जाता है। इसलिए मोस्टली लोग स्पीति को समर में ही विजिट करते हैं। विंटर्स में भी आप स्पीति आ सकते हैं, पर इस समय आपको चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। जब आप स्पीति घाटी पर अपना कदम रखते हैं तो यहाँ के ठंडे रेगिस्तान और बर्फ से भरे पहाड़ों की अविस्मरणीय झलक पेश करने वाली लंबी घुमावदार सड़कें और घाटियाँ आपका स्वागत करती हैं। स्पीति घाटी देश की सबसे ठंडी और खूबसूरत जगहों में से एक है। साल में लगभग 6 महीने यानी गर्मी का मौसम ऐसा होता है कि जब स्पीति मोटर मार्ग के माध्यम से सीधे पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, स्पीति एक बहुत ही कम आबादी वाला क्षेत्र है जो एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए स्वर्ग के समान है। यहाँ पर कई ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं जहाँ पर्यटक ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। ये सभी ट्रैक काजा से लेकर विभिन्न चोटियों तक पहुँचते हैं, जहाँ से आप हिमालय पर्वत के मनोरम दृश्यों को देख सकते हैं। यहाँ पर किब्बर से चुचुम तक का पहाड़ी रोप वे भी एक प्रमुख आकर्षण है, जो नीचे से घाट के शानदार दृश्यों को प्रस्तुत। यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप यहाँ के प्राचीन मठों की सैर न करें। यहाँ आप ट्रैकिंग के साथ बाइकिंग का भी लुफ्त उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, लाहौल से दुनिया का सबसे ऊंचा हाईवे गुजरता है, जो कि लाहौल को विश्व में अलग पहचान दिलाता है। लाहौल स्पीति में अगर आप घूमने के दृष्टि से जा रहे हैं तो निश्चित जाइए, क्योंकि यहाँ रुकने ठहरने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यूं तो यहाँ ठहरने के कई होटल हैं जहाँ आप बेझिझक ठहर सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध होटलों के नाम हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम का बंगला जो कि मुख्य बाजार केलांग में है। उसके अलावा जिस्पा रास बिहारी चौक केलांग में है। स्नोलैंड वो भी केलांग में है। पर्यटक बंगला काजा में है। मूनलाइट काजा में है। तो ये कुछ होटल हैं जिनको आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बुक कर सकते हैं। स्पीति के भोजन में व्यंजनों का एक दिलचस्प मिश्रण है जिसका स्वाद हर किसी को लेना चाहिए। यहाँ तिब्बती भोजन काफी प्रसिद्ध है। यहाँ उत्तर भारतीय भोजन के साथ इजराइल के भोजन का भी आनंद लिया जा सकता है। यहाँ के गांव में जौ के खेत होते हैं जो यहाँ के भोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ पर अनाज का उपयोग जौ विस्की जौ बियर का उत्पादन करने के लिए किया जाता है और भुना हुआ आटा लड्डू नाश्ते में उपयोग किया जाता है, जिसको थुकपा कहा जाता है। यहाँ के स्थानीय फूड में मोमोज थुकपा बटर टी चांग के नाम शामिल हैं, जिसका स्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर चाय नींबू पुदीना अदरक शहद के गार्निश भी काफी प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको स्पीति का सफर? उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपका भी मन कर रहा होगा स्पीति घूमने का। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं भी जरूर दें।